दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्यूटर में यूजर नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर का यूजर नेम है रवीश वर्मा। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, साथ ही इसकी जो पासवर्ड है मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने कंप्यूटर में यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को आ जाना है स्टार्ट मेनू में। अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज 8 हो या फिर विंडोज 10 हो, सभी में स्टार्ट मेनू होता है। आपको स्टार्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो गाइज आप देख सकते हैं नीचे कंट्रोल पैनल आ चुका है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही गाइज इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी का एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूजर अकाउंट का ऑप्शन सबसे टॉप में देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली चेंज अकाउंट टाइप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेस्ट और आपका जो यूजर नेम है जो पहले से डला हुआ है, आप उस पे आइकॉन पे एक बार क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चेंज द अकाउंट नेम और चेंज द पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के यूजर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको न्यू अकाउंट नेम पूछा जाएगा, तो आप अपने अनुसार अपना नाम डाल सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ। और उसके बाद आपको चेंज नेम पर क्लिक करना है। चेंज नेम पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका यूजर नेम चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्मा जी सर्विसेज। पहले हमारा यूजर नेम था रवीश वर्मा। उसके बाद गाइज आपको नीचे सेकेंड ऑप्शन पर देखने को मिल रहा होगा चेंज द पासवर्ड, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइज आपके अपने कंप्यूटर के जो यूजर नेम में पासवर्ड डला हुआ है आपको उसको डालना होगा, जो भी आपने पहले से डाल रखा है। तो चलिए मैं अपना जो पहले से पासवर्ड है मैं इसको यहाँ पर फिलअप करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नया जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना पासवर्ड। और उसके बाद आपको जो इसमें पासवर्ड डाले हैं उसको ही फिर से एक बार रीटाइप करना है। और यहाँ पर आप चाहें तो हिंट दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने पासवर्ड का नाम रखे हुए हैं abc.vermajiservices। तो अगर आप भूल जाते हैं कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था तो यहाँ पर आप उसको हिंट दे सकते हैं, जैसे कि ABC या फिर A और VS, ऐसे आप दे सकते हैं कोई भी हिंट ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि मैंने कौन सा पासवर्ड रखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी हिंट नहीं देता हूँ। और उसके बाद चेंज द पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अब अगर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या फिर लॉक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा और अभी जो आपने नया वाला पासवर्ड रखा है उसको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए और आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो जाएगा। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।